अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानू। व्यूवर्स, आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है न्यूट्रीजीना अल्ट्रा शीयर ड्राई टच सनस्क्रीन SPF 100 प्लस। ड्राई टच का मतलब है कि आप इसको ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ सेंसिटिव एक्नी प्रॉन स्किन को सन डैमेज से बचाता है बल्कि उस पर परमानेंट स्कार्स और दाग धब्बे आने से भी स्किन को महफूज रखता है। दूसरे, इसमें 100 SPF है जो कि UV रे से आपकी स्किन को 99% प्रोटेक्शन देता है। आपको हमेशा सूरज के नीचे जाने से 15 से 20 मिनट पहले सनब्लॉक स्किन पर अप्लाई कर लेना चाहिए। और 100 प्लस SPF का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब आप जितनी देर चाहे मर्जी धूप में रह सकते हैं, बल्कि अगर आपने सनब्लॉक अप्लाई ना किया हो तो एक नॉर्मल सनलाइट जो है डे टाइम की आपको 30 से 45 मिनट के अंदर सनबर्न और 10 से 12 मिनट के अंदर सन टैन दे देती है। इसलिए सनस्क्रीन और सनब्लॉक इस डैमेज को कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये टाइम लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए सूरज के नीचे रहते हैं। और ये सनस्क्रीन बहुत लाइट वेट है और स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसमें हीलियोप्लेक्स टेक्नोलॉजी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UV प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हीलियोप्लेक्स में दोनों इंग्रेडिएंट्स जो सूरज की हार्मफुल रेज को ब्लॉक करने में बहुत इफेक्टिव हैं, एवोबेंजोन एंड ऑक्सीबेंजोन इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा, ये एक डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है और 100 SPF के साथ 88 मिलीलीटर की प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से 1800 के राउंड अबाउट मिल जाएगी। बैक साइड पर तमाम इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं कि इस्तेमाल में बहुत लाइट फील होता है, बिल्कुल ऑयली ग्रीसी फील नहीं होता, स्किन को स्मूथ और नॉन शाइनी और सॉफ्ट करता है और किसी तरह की भी वाइटनिंग फील नहीं आती स्किन के ऊपर। पैकिंग और कलर भी बहुत खूबसूरत और महंगी प्रोडक्ट की लुक देते हैं। ओपन करें तो बिल्कुल वाइट कलर का क्रीमी टेक्सचर है और स्मेल भी अच्छी है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, टिपिकल सनस्क्रीन वाली नहीं है। आपने इसे सन एक्सपोजर से 15 मिनट पहले स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और ये आपको 80 मिनट्स की वाटर रेजिस्टेंस भी देता है। इसके बाद आपने इसे दोबारा अप्लाई कर लें 2 आवर्स के बाद, और अगर आप लगातार सूरज के नीचे हैं तो हर 2 घंटे के बाद आपने इसे रीअप्लाई करना है। इसको स्कूल गोइंग बच्चे, मर्द औरत हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और हर तरह के स्किन टाइप्स के लिए ये बेस्ट है। आप इसे चेहरे के अलावा हाथों और गर्दन पर भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी सनस्क्रीन खरीदें हमेशा उसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लेबल ज़रूर देख लें, मतलब कि ये वाला सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूरज की हर तरह की हार्मफुल रेज से बचाता है। एक अच्छा सनस्क्रीन आपकी स्किन को यंग और रिंकल फ्री रखने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एजिंग की सबसे बड़ी कॉज जो है वो सन डैमेज ही है। मैं जानती हूँ कि ये सनस्क्रीन थोड़ा सा महंगा है लेकिन बेस्ट है, और मैं बहुत जल्द आपसे अपने फेवरेट सन ब्लॉक्स की वीडियो भी शेयर करूंगी। आप उनमें से चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है टीनएजर्स की समर स्किन केयर रूटीन के बारे में, तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।